तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे होगे। तो गाइस, अभी रिसेंटली हीरो डेस्टिनी 125 लॉन्च हुई है, आप लोग को पता ही होगा। और सर, मैंने उसकी एक बार मैंने उसकी बहुत पहले वीडियो एक बना दी थी, मगर उसके सारे जो अपने जो स्पेसिफिकेशंस की 2-3 महीने पहले बनाई थी वीडियो, ठीक है। तो आज हम अपने i3s टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या i3s टेक्नोलॉजी अपने स्कूटर में इतना यूज़फुल है? चलो, ये बाइक में ले आया, कोई बात नहीं। और मेरे पास एक फोटो भी है जिसमें होंडा कुछ कुछ कर रही है, कि मतलब जो हीरो पे से क्लेम आ रही है, मतलब ऐसा मान लीजिए, मतलब i3s इतना यूज़ नहीं हो सकता, और हमने ये वाली टेक्नोलॉजी मतलब 10-15 साल पहले लॉन्च करी थी, कुछ ऐसा। मैं की फोटो यहाँ पे लगा दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो i3s इस स्कूटर में यूज़फुल है या नहीं, और आपको दूसरे स्कूटर में i3s ऐसा सिस्टम मिलता है या नहीं मिलता, तो मिलता है आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। i3s क्या होता है, आपके रेस्ट में खड़े हो तो अपना इंजन ये ऑटोमेटिकली अपना ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ना इससे आपका फ्यूल बचेगा। अब यार, मेरे को बात समझ में आई, एक 125 cc के हिसाब से कोई 10 सेकंड ये रेड लाइट पे खड़ा है, उसका कितना फ्यूल बचेगा? क्या 10 रुपये का फ्यूल बचेगा? और गाड़ी सिंपल, मतलब जो सिंपल खड़ी है तो वो मतलब बहुत कम फ्यूल ले लेती है, मतलब जरा सा लेगी, मतलब बहुत कम ही लेती है, मतलब जैसे माइन्यूट सा लेगी, बहुत कम। और जब वो खड़ी है तो ऐसे में आप ये किल करो, मतलब इंजन कट ऑफ करोगे, फिर बाद में चालू होते तो लगभग वो उतना ही पड़ जाता है। और अगर i3s से इतना माइलेज मिलता होता तो गाड़ी क्लेम करती कि हमारी गाड़ी से 125 cc हम जब i3s यूज़ कर रहे हैं तो हमको 60 का एवरेज मिल रहा है, पर ऐसा कंपनी ने नहीं बोला। और जो ए आर ए आई माइलेज क्लेम इस गाड़ी का, वो है 51.5 km/L, ठीक है। और अगर ये लोग चाहते हैं कि अगर i3s यूज़ ही करना है तो पीछे और आगे लोग दोनों 12 इंच के पहिए लगाते, क्या है 12 इंच के पहिए, जितना बड़ा साइज होगा उतना वो एक बार रोटेट होने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, पर ऐसा इन लोगों ने नहीं किया, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलता है, एक और फीचर अपनी जो बहुत अच्छी गाड़ी है TVS एनटॉर्क में, अपना ये अपना किल स्विच है, ठीक है। उसमें ना ये जो किल स्विच वो मैनुअली काम करता है, क्या आपके रेस्ट में करो तो आपको किल स्विच आने से अपना इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। मैं इस गाड़ी को ये बुराई नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो मेरा रिव्यू है, मतलब जो मेरे को लगता है, मैं इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि बेकार गाड़ी है, अच्छी है। आपके बजट में गाड़ी है 125 cc की, अप्रॉक्स 70,000 के अंदर ये पड़ जानी चाहिए आप लोग को, ये सब में मिला के, ठीक है। और इसमें 125 cc का इको बूस्ट इंजन है, और 5.5 लीटर्स का एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है, ये आगे क्रोम यूज़ किया गया, और अपनी बूट अपनी ये अपनी इसकी की बूट लाइट है, चार्जिंग सॉकेट है। मैं इस गाड़ी की बिल्कुल भी ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इसके जो मेरे को लगा कि ये लोग i3s बना के फुद्दू का काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। पर ये अपना ये स्किल स्विच भी तो वही काम कर रहा है, बस वो मैनुअली काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वाली वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।